मैं वो परमात्मा हूं जो आपकी आयु भी बढ़ा सकता हूं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमेश्वर की समर्थता बताते हुए कह रहे हैं कि यू काल डरे करतार से, कबीर परमात्मा से, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और कहता जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने यू मौत, मौत तय हमारे कबीर परमात्मा के जूते साफ करती, अर्थात ये तो इनके आदेश का पालन करेगी, इनके आदेश बिना उनके भगत को टच नहीं कर सकता कोई, और जोरा जोड़ी झाड़ता वो पगरज डारे सी से, उसके परमात्मा के जूते झाड़ के उसको कहते माथे का लगाती है मौत है। यानी परमात्मा कहते हैं मेरे आदेश बिना ये काल और ये मौत आपके निकट नहीं आ सकती। परमात्मा फिर कहते हैं गरीबदास साहिब जी, काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये काल तक कहते हैं मेरे कबीर परमात्मा की चक्की पीसता है, और ये मौत उसका पानी भरती है, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। यानी परमात्मा की समर्थता को गरीबदास साहिब जी ने कलम तोड़ प्रकट किया है, कबीर परमेश्वर की समर्थता को आंखों देख के। तो यदि इस ज्ञान को सुनकर किसी के ये भी समस्या उत्पन्न होती है कि भी वहां हमने 20 वर्ष साधना कर ली, हमने वहां 30 वर्ष साधना कर ली, उस साधना का क्या बनेगा, तुम तो आगरा पहुंच गए, आना था बरुवाड़े, पहुंच गए उस भूत दौरे, अब वापस आना पड़ेगा अपने, और यहां से मोक्ष होगा। और इस परमात्मा के सच्चे मंत्र को और अधिकारी संत से लेकर नाम लेते भी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, मान ले कि ऐसी स्थिति थी कि भी यहां मरीज आते हैं, हमारे भक्त कह सुनकर लाते हैं लेकिन उनका विश्वास नहीं होता, नहीं तो परमात्मा बिल्कुल नहीं मरण दे, गारंटी देता है दास। लेकिन जितना विश्वास चाहिए, जिस आधार से परमात्मा हमें कुछ राहत दे, वो बहुत दिनों में बनता है, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं, हम उन नकली संतों के पास लुटपिट चुके हैं, और स्थान या असली पुराने पर विश्वास नहीं होता। जैसे एक बाजार में और 9 नकली दुकान हो, धोखे कर रहे हो, और 10वीं के ऊपर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके दिमाग में वह साइकोलॉजी रहती है कि भी माल डुप्लीकेट पाओगा, चाहे कति ओरिजिनल धर ले, विश्वास हो को नहीं, वो तो बरतें पता चलेगा, उसका यूज करेंगे तब, और फिर भी उसने उपदेश ले लिया, उपदेश लेते ही भी उसकी प्राण छूट जाते हैं, मनुष्य जीवन उसको गारंटीड है, उसके तो सौभाग्य था, उसको मनुष्य जीवन तुरंत मिलेगा, अरीब ते स्टार्ट हुआ है भक्ति युग का, हजारों वर्ष चलेगा ये, तुरंत वापस मनुष्य जीवन होगा, आते फिर उसको छोटी सी उम्र में ये मार्ग मिलेगा और पूरी उसको आयु देगा भगवान, और लेके इस अगले जन्म में पार हो जाएगा। तो और यहां ना आता तो उसने मरना ही मरना था, और भूत भी बनना था, बिरान दुर्गति हो जानी थी, तो उससे भी उसके सब पापों का नाश करके परमात्मा तुरंत मनुष्य जीवन दिला देता है, इतने दयालु ही है भगवान, क्योंकि हम इनके बच्चे हैं और इसने हमें यहां से निकालना उद्देश्य है परमात्मा का। और ये फिर ये नहीं देखता, क्योंकि इसके हाथ में कलम, इसने कोई न्यू कहने वाला नहीं, आपने क्यों ऐसे कर दिया, ये समर्थ है। धर्मदास जी ने परमेश्वर की सामर्थ्य में कहा था, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान, ये जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहेबी, सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब ना, निर्विकार निर्भय तू ही। क्या कहा था कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान, और सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब ना। हे परमात्मा, हे कबीर परमेश्वर जी, आपकी सबके ऊपर प्रभुता, आपके ऊपर कोई प्रभु नहीं, और जो समर्थ है उसके फिर जो चाहे कर सकता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बिल्कुल आसान है, इतना सिंपल वे
चलते फिरते उठते बैठते लेट के किसी प्रकार भी सिमरण करना श्वास उश्वास से, या जैसे मंत्र आपके प्रथम दे रखे उसको मन में करो, मौखिक करो, बोल के करो, धीमा धीमा, या किसी दूसरा बिना नाम वाले को नहीं सुनने देना इसको। लेकिन ये विश्वास होना कि जो हम कर रहे हैं ये सही है, ये कठिन हो गया, क्योंकि नकली पंथों ने नकली संतों ने बैठा बैठा दिया, ये काल के दूत का काम कर रहे हैं, और इसलिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 10-10 प्रमाण देने पड़ते हैं। जब बुद्धि में प्रवेश होता है आपके हमारे कि सचमुच बात ही ऐसे ही है। गरीबदास साहब ने कहा था कि जाखी वे कबीर की नानक कीती वाह, और वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। अब उन्होंने किस दृष्टिकोण से कहा था वाहेगुरु जाप करो और दूसरा मत करना कुछ भी, इसलिए कि परमात्मा का आदेश था अभी नहीं बताना। और उन्होंने एक अनमोल काम किया, अब अमृतवाणी लिख कर छोड़ गए कि इसको पढ़ते भी रहोगे, ज्ञान यज्ञ के आधार से भी तुम्हें मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब मोक्ष के लिए पूरा ट्रीटमेंट अब मिलेगा आप जी को, और आप जी ऐसे ही मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, तभी तो आपको अभी भी चाह है भगवान की, नहीं तो अगर आप अन्य योनि से आए होते तो आप भक्ति नहीं करते, आप पिछले जन्म में पुरुष थे, मनुष्य थे कहीं ना कहीं, और भगवान से कभी संपर्क में आए हो, उन्हीं के लिए सारा कुछ ये हो रहा है।